बैक पेन कर रहा है? बैक पेन नहीं है तो बट पेन है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी हमने पेन क्रॉस कर लिया है, और पेन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा भूख लगा हमें, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ले, भूख भी लगी थी। और ब्रेकफास्ट तो हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये है मेरा फ्रेंड विनोद यादव, जो अभी इस राइड में मेरे साथ है, और ये भी मेरा नेबर ही है। लगभग 7 से 8 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं। जब भी मैं घूमता हूँ तो विनोद जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बोलता है कि अगली बार जब तू कहीं पे जाएगा तो मुझे भी साथ लेके चलना। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मेरा गणपतिपुळे आने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन विनोद के लिए मैंने स्पेशली ये प्लान बनाया। तो कैसा लग रहा है विनोद साथ में आके? मजा आ रहा है एकदम। अभी तो और बहुत मजा बाकी है अभी। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो राइड में सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं और अभी 2-3 दिन और बाकी है, तो और मजा आएगा। ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट करके हम लोग अब निकल चुके हैं। सूरज भी अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। क्लाइमेट अभी भी नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ गर्मी नहीं लग रही है। अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो क्लाइमेट अच्छा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग पहुँच गए हैं मानगांव। यहाँ के जो बोर्ड्स है वहाँ पे तो मैं पढ़ सकता हूँ कि मुंबई गोवा हाईवे मानगांव जिला रायगढ़, तो शायद ये मानगांव। हाँ, ये मानगांव ही है। मानगांव बस स्थानक, यस ये मानगांव ही है। क्या हुआ? हाँ, मैं वही देख रहा था अभी। मस्त लग रहा है ना ये घर ऐसा। रोड्स तो ठीक है, मतलब ना अच्छे है ना बुरे है, और रोड का बहुत सारी जगह पे तो काम भी चालू है, तो ठीक है। मतलब एकदम खराब भी नहीं है रोड और एकदम अच्छे भी नहीं है। अब तक तो ऐसे ही रोड मिले, अभी आगे पता नहीं कैसे रोड है। अगर ऐसे रहेंगे तो भी ठीक है, अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं इस पर भी, और मज़ा भी आ रहा है चलाने में। अभी जस्ट मैंने बोला था कि रोड ठीक ठाक है, और अभी यह ख़राब रास्ता शुरू हो गया। थोड़ा सा पैच रहेगा ये, मेरे ख्याल से आगे रास्ता अच्छा ही रहेगा। अभी देखते हैं। ये शायद महाड़ है, तालुका महाड़, गांधारी नाका। अरे आप कहाँ जाना है यार, बहुत घुमा रहा है यार मैप। हाँ, अभी ये रोड से जाने के लिए बोल रहा है। ये देखना कितना पतला रोड है ये। काका चिपळूण लागला असं कुठे? चिपळूण सरळ लागेल। हाच हायवे लागेल ना? अच्छा, हां ठीक आहे। हो चालेल, ठीक आहे, थँक्यू। वो हाईवे ही था, लेकिन वो गूगल मैप ने पता नहीं अंदर क्यों भेज दिया अपने को। गाड़ी टच हुआ रे 2-3 बार। हाँ? गाड़ी स्पीड ब्रेकर को टच हुआ 2-3 बार। तेरा वेट कितना है विनोद? 75। अरे तू 75, मैं 75, 150 तो ऐसे ही हो गया, लगेज भी हो गया। हाँ, गाड़ी का खुद का वेट है 225 kg। तो कभी कभी ऐसे गूगल मैप भी हमें फंसा देता है। अभी उस अंदर के रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी गूगल मैप ने बोल दिया कि अंदर से जाना पड़ेगा। ये वापस टच हुआ यार भाई स्पीड ब्रेकर पे। वेट मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया। अरे यार वो ट्रक धुआं छोड़ रहा है कि मज़ा कर रहा है वो।
अरे गूगल वापस इधर बोल रहा है आने को, ये रास्ते से। हाँ एग्जैक्टली, या अंदर से जाने की क्या जरूरत है। ये रिक्शा वाले को पूछना, रिक्शा वाले को, रिक्शा रिक्शा हाईवे चिपलून चिपलून सरल ना, ठीक है थैंक यू। हाँ ना गली गली क्यों दिखा रहा है वो, 11 बज चुके और अब धूप भी निकली हुई है, और इस धूप में वो आदमी जो है वो ट्रक में पत्थरों पे सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ वो? अरे भाई तुम लोगों ने खाया क्या है रात को? क्या धुआं छोड़ रहा है यार, थोड़ा अच्छा रोड मिलता है और भगाने की कोशिश करता है ना, ये ऐसा कुछ तो रोड आ ही जाता है। हाँ ना, ये कौन सा गाँव है, पोलादपुर। ओके पोलादपुर आ चुके हैं अभी हम लोग, यहाँ पे भी रोड का जबरदस्त काम चालू है। ये घाटी क्षेत्र है विनोद, घाट सेक्शन चालू हो गया, घाट सेक्शन चालू हो गया अभी। हाँ सब सूखा हुआ है, सब पेड़ पौधे सब सूखे हुए हैं, बारिश में तो एक नंबर लगता होगा। बारिश में तू कहीं भी जा रहे हैं, बारिश में कहीं भी जाओ अच्छा लगता ही है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैकेट उतार दूँ, अब इतना गर्म हो रहा है अभी। एक तो स्पीड नहीं मिल रही है प्रॉपर, और हवा भी नहीं लग रही है, तो इसकी वजह से ज़्यादा गर्म हो रहा है। अभी एक बोर्ड पढ़ा मैंने वहाँ पे, उस पर लिखा था रत्नागिरी जिला आरंभ, तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हालाँकि रत्नागिरी यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है अभी भी। और क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से, एक्सेलेंट व्यू। सीरियसली यार जब बारिश के मौसम में जब भी आते हैं यहाँ पे और जब हरियाली रहती होगी कितना मस्त लगता होगा। जब मैंने बोला था कि यहाँ से रत्नागिरी का डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तब से मतलब वहाँ से एक घाट था, वो घाट ख़त्म होने के बाद ये रास्ता चालू हो गया है। अरे अच्छा रास्ता है यार, 4 लेन हाईवे है और अच्छा है, और ऐसा लगता है कि ये अभी अभी बनाया हुआ है। ओके तो टाइम अब हुआ है 1:55 और हम लोग है चिपलून में। पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया तो सोचा थोड़ा भरवा ले, थोड़ा क्या फुल ही करना पड़ेगा। फुल करा ना, हो मैं कार्ड पेमेंट करतो, जरा गाड़ी साइडला ठेवतो आणि कार्ड देतो तुम्हाला, बाकी मागे तोपर्यंत द्या मग कोणाला जायचं ते। दोपहर के 3:20 हो चुके हैं और अभी मैं पहुँचा हूँ संगमेश्वर के पास। मैप में तो संगमेश्वर यहाँ से यहाँ पर ही दिखा रहा है, लेकिन संगमेश्वर की सिटी जो है या फिर ऐसा गाँव जो बोल सकते हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, सब जगह जंगली है और पेड़ी है, बहुत कम घर है। और संगमेश्वर सिटी मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि संगमेश्वर सिटी होगी या फिर एक अच्छा सा गांव होगा, क्योंकि मैंने संगमेश्वर के बारे में सुना था बहुत कुछ, लेकिन वैसा कुछ दिखा ही नहीं दे रहा है। संगमेश्वर यही है, ये संगमेश्वर ही है। हमारी अभी 303.1 किलोमीटर्स की राइड हो चुकी है, 3:26 हो चुका है, और 46 किलोमीटर्स अभी भी गणपतिपुरे दूर है, और 1:03 लगने वाला है गणपतिपुरे जाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लिया है संगमेश्वर में, राइड में मज़ा आ रहा है, रास्ते का ही थोड़ा सा इशू है, रास्ते का ही कहीं थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, गर्मी तो है ही, गर्मी भी है, और रास्ते का एक्चुअली कैसा है कि थोड़ा थोड़ा पैच जो है ना वो अच्छा है और थोड़ा पैच खराब है, बहुत सारे जगह पे डाइवर्जेंस है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, कहाँ पे टर्न करना है, कहाँ मुड़ना है। कई कई जगह पे तो मैं रॉन्ग साइड में गया था, और जहाँ पे रास्ते ख़राब है वहाँ पे इतने रास्ते ख़राब है कि चलने का मन ही नहीं करता भाई। और कई कई जगह पे इतना अच्छा रोड होता है कि रुकने का मन नहीं करता, मतलब मिक्स एक्सपीरियंस है रोड की अगर बात करें तो। अभी 3:30 और 4:30 तक तो हम पहुंच जाने चाहिए, और वही टारगेट भी था, मैंने बोला भी था कि अगर गूगल 8 घंटा अगर बता रहा है तो मुझे 10 घंटा लगेगा वहाँ पे पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी ज़्यादा मतलब ओवर स्पीड नहीं करता, एकदम आराम से चलाता हूँ बाइक, तो वो तो मैंने रखा ही था टारगेट कि 10 घंटे तक मैं पहुँच जाना चाहिए, तो 4 से 5 बजे तक तो मैं पहुँचूँगा ऐसा मैंने कहा था, तो उतना तो टाइम अभी लगेगा, तो मतलब मेरे हिसाब से मैं तो टाइम पर ही हूँ। और दूसरी बात, हमने हमारा लंच है वो स्किप कर दिया है, हमने जो सुबह ब्रेकफास्ट किया था उस पर ही है हम लोग, हमने 2-3 बार ब्रेक लिया था, उसमें हम नींबू पानी और गन्ने का जूस
इस पर ही हम काम चला रहे आज दिन भर। हमने हमारा लंच जो है वो स्किप ही कर दिया आज। कुछ ऐसा है, अभी बाइक का सेटअप पूरी तरीके से सजी धजी हुई और बहुत दिनों के बाद ऐसी बाइक को देख रहा हूँ, मतलब एक साल के बाद ही देख रहा हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी बार राइड पे गया था लोनावला वगैरह, लेकिन वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो शॉर्ट राइड्स थी, तो उसका क्या वीडियो बनाना, तो इसीलिए मैंने उसके व्लॉग्स वगैरह कुछ बनाए नहीं। ये जो राइड है वो थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर राइड है, थोड़ी सी लॉन्ग राइड है, 325 किलोमीटर की राइड है। मेरे घर से 325 गणपतिपुळे है, तो ये तो अच्छी खासी राइड होगी। और बहुत दिनों के बाद मैं भी राइडिंग गियर्स में बाइक चला रहा हूँ, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जहाँ तक विनोद का सवाल है, उसकी तो हालत ख़राब हो गई है। अभी वो अंगूठा दिखा रहे, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसने बोला मुझे, क्योंकि उसको प्रैक्टिस भी नहीं है ना, क्योंकि मतलब वो कम से कम 10 साल के बाद बाइक से ट्रैवल कर रहा है इतने दूर। ऑब्वियसली उसको अगर प्रैक्टिस नहीं है, उसको हैबिट नहीं है, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होने वाला ही है। बैक पेन कर रहा है? बैक पेन नहीं है, तो बट पेन है। रात को आराम कर दे, सब ठीक हो जाएगा। यार ऐसे सीन देखता हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है, और पानी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसमें डुबकी मारूँ। अगर अभी इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो बारिश में क्या। अरे यार क्या सीन था वो। अगर अभी इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो बारिश में कितना अच्छा लगता होगा। हाँ ये बात ऑलरेडी मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, लेकिन वो बात ही ऐसी है। होटल मिल चुका है और बुक भी किया है, और अभी तक की जो जर्नी है वो 364.7 किलोमीटर की हो चुकी है, और टाइम हो गया है 5:39। तो ये है हमारा रूम, एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ये जो ट्रिप थी वो एकदम कम बजट में करनी थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि जो रूम है वो भी एकदम बेसिक चूज़ करें, तो इसीलिए ये रूम हमने चूज़ किया है। इसका जो रेंट है वो एक दिन का 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ में तो ऐसा ही रूम मिलेगा, एकदम बेसिक। और इसका जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, सामने ये और एक कोई प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे वो कुछ थोड़ी सी सीनरी है। तो फ्रेश होने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं गणपतिपुळे का जो बीच है वहाँ पे। हमें एक्चुअली सनसेट देखना था, लेकिन सनसेट तो हो चुका है, थोड़ा सा लेट हुआ है हमें। कितने बजे? शाम के 7 बज चुके हैं, तो सनसेट तो गया है, लेकिन फिर भी नीचे जाएंगे, और नीचे मतलब बीच थोड़ा नीचे के साइड में यहाँ से, और हम लोग थोड़ा सा ऊपर, हमने हमारा होटल बुक किया है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे और थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है, और उसके बाद देखेंगे फिर खाने के लिए क्या क्या मिलता है यहाँ। खाने के लिए अभी कोंकण में आए, तो कोंकणी जो अपनी थाली रहती है या फिर कोंकणी फूड जो रहता है वो तो ट्राई करना बनता है। और कोंकण का नाम लिया तो सबसे पहला जो फूड आइटम वो याद में आता है या फिर दिमाग में आता है वो है फिश। तो मैं तो फिश ही ट्राई करने वाला हूँ जितने भी दिन यहाँ पे रुकूँगा। 2-3 दिन का प्लान है, ज़्यादा नहीं है, तो जितने भी दिन मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं तो फिश ही ट्राई करने वाला हूँ। तू क्या ट्राई करने वाला है विनोद? मैं फिश ही लेने वाला हूँ। मैं भी फिश। वो सामने यहाँ से समुंदर दिख रहा है, अभी इसमें कैमरा में इतना दिखाई नहीं देगा, अब शायद दिख जाए। बहुत दूर है बे। दूर है। और नीचे घूमते ना। हमने गूगल पे चेक किया था कि सनसेट कितने बजे होने वाला है, तो सनसेट जो होने का टाइम था वो था 6:44, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेश होने में इतना टाइम लग गया कि सनसेट हमारा मिस हो चुका है। तो ठीक है, सनसेट मिस हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं। कल का कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्लान अभी बना रहे हैं हम लोग, कल का भी प्लान है कुछ, और दर्शन भी हम लोग आज नहीं करने वाले, दर्शन हम कल करने वाले हैं। हम तो बस ऐसे ही आज घूमने के लिए ही जा रहे हैं नीचे। आज मंडे है और कल ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को गणपति का वार रहता है ऐसा कहा जाता है, तो ट्यूसडे को ही हम लोग दर्शन के लिए जाने वाले हैं। सी शोर का आवाज़ सुनाई दे रहा है मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अंधेरा इतना हो चुका है कि कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि GoPro की जो क्वालिटी है रात के समय की वो एकदम ही बेकार है। क्या दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग बैठे हैं होटल समीर में, और हमने ऑर्डर किया है एक सुरमई थाली और एक कोलंबी थाली। जब मैंने गूगल पे सर्च किया था बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन गणपतिपुळे, तो जो होटल समीर का नाम है वो सबसे ऊपर आया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके ही खाना ट्राई करते हैं। तो अभी ऑर्डर तो किया है, देखते हैं अभी आने के बाद उसकी टेस्ट कैसी है। एक होटल कोलंबी है ना, टेस्ट है, टेस्ट अच्छी है, मतलब जितना सुना था तो उतनी टेस्ट है इसकी।